नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारत को महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई है। क्या आप इस बात से खुश हैं कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या सीधे तौर पर बस आपसे पूछता हूं, आप मुर्मू जी के आने पर क्या खुश हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जवाब देने के बाद वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी राय देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रपति तक पहुंचनी चाहिए। तो वीडियो शेयर जरूर करें। सीधा खबर पर आता हूं कि राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो कितना पढ़ी लिखी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गम बहुत दुख झेले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली वे आदिवासी राज्यपाल महिला थी। अगर ऐसा होता है तो भारत के गौरवशाली इतिहास में ये एक पन्ना और जुड़ गया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं, ऐसा हो चुका है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है ख्याति पाई है। अचानक से रायसीना हिल्स रेस में जो है द्रौपदी मुर्मू वो आती हैं, और उनका जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सफर है वो बेहद संघर्षों भरा रहा था। उड़ीसा के बेहद पिछले इलाके से आगे बढ़कर वो यहां तक पहुंच पाई हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था, यानी 20th जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदा पौसी गांव में इनका जन्म हुआ था। आदिवासी समुदाय जिसको संथाल कहते हैं उससे संबंध रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू के जो पिता पंचायत के वो मुखिया रहे थे। फिर भी सफर बहुत इनका कठिन रहा, सफर आसान नहीं था। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई जो है वो पूरी की। फिर ओडिशा सरकार में सिंचाई व ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट बनी। पढ़ने पढ़ाने का शौक के चलते द्रौपदी मुर्मू लंबे समय तक एक टीचर के रूप में भी काम करती रही। दोस्तों, राय रंगरपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। गरीबी और पिछड़े इलाके से होने की वजह से संघर्ष था, वो बहुत मुश्किल था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जब लगा कि सब कुछ ठीक होगा, किस्मत ने द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है क्रूर मजाक कर डाला। कम उम्र में ही द्रौपदी जो मुर्मू हैं उनकी उम्र बेहद कम थी, जब इनके पति जिनका नाम श्याम चरण मुर्मू था हमेशा के लिए इनका साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। यह दुख कम नहीं था कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी हमेशा के लिए खो दिया। अब उनके परिवार में बेटी, नातिन और दामाद हैं। तो सोचिए, पहले पति, फिर एक साथ दो बेटे, संघर्ष भरा जीवन। क्या ऐसी महिला देश की अगर राष्ट्रपति बनती है तो क्या ये वाकई में सीना ठोकने वाली बात है कि नहीं? अपनी राय जरूर दें, वीडियो शेयर जरूर करते रहें। लास्ट के कुछ मैं आपको बहुत जरूरी बात बता देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है जानना। देखिए, सियासी सफर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने 15 साल पहले वार्ड काउंसलर के तौर पर इस लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के जो है वो चुनाव जीत हासिल कर वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी। वार्ड काउंसिल के बाद द्रौपदी मुर्मू विधायक बनी, फिर एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां ये चढ़ती चली गईं। द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री पद पर आने के बाद वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग भी संभाला। साल 2015 में 18 मई को उन्होंने पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वह झारखंड की पहली राज्यपाल हैं जिन्हें अपने 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद भी उनके पद से नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि काम ही इतना अच्छा कर रही थी। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन इस पद पर बनी रही। वहीं रायरंगपुर से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं ये। 2009 में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल से नाता तोड़ने के बावजूद इन्होंने बहुत बड़ी जीत जो है वो दर्ज की। बीजेपी का हाथ थामा तो उड़ीसा यूनिट की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ये अध्यक्ष भी रही। 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी इनको नामांकित किया गया था। तो दोस्तों, क्या द्रौपदी मुर्मू का आप भी जानते हैं, मानते हैं, हामी भरते हैं कि इनका जो जीवन का संघर्ष था वो वाकई में कठिन था?
बहुत कठिन दौर से गुजरी, पति को खोना, दो बच्चों को खोना, और अब इनके पास इनकी एक बेटी, एक नातिन और दामाद है। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के लिए, इस भारत देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, ऐसी महिला को मेरा सलाम है। और मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी वीडियो शेयर करके अपना सलाम जरूर दें द्रौपदी मुर्मू को, अगर आप भी अपने आप को सच्चे हिंदुस्तानी मानते हैं तो। आज शिवरात्रि है, आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे आपका देश हित चैनल हॉकफीड न्यूज। इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।